जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमो विद्रागाय। नमो विद्रागाय। नमो अरिहंताणम्। नमो अरिहंताणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो आयरियाणम्। नमो आयरियाणम्। नमो वज्जायाणम्। नमो वज्जायाणम्। नमो लोये सव साहुणम्। नमो लोये सव साहुणम्। ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो पंचन मुक्कारो। सव पावकपणासनो। सव पावकपणासनो। मंगलाणं च संवेशी। मंगलाणं च संवेशी। परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वो मोबाइल में भेजा होगा जयराम जी ने पद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वंदन हो जिन राज अमारा। वंदन हो जिन राज अमारा। भक्त जनो ना छो सिरता। वंदन हो जिन राज मारा। वंदन हो जिन राज सागर नो छु प्रवासी। तारे हाथ जहाज। तारे हाथ जहाज। डूबे नहीं मुझ जीवन नैया। डूबे नहीं मुझ जीवन नैया। जाड़व जो वंदन हो जिन राज मारा। वंदन हो जिन राज मारा। हाजर तीर्थंकर निबजना। हाजर तीर्थंकर निबजना। सहज अष्ट प्रकारी कर्म ने भूके। 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 अबंधक अकर्म दारा। अकर्म दारा। वंदन हो जिन राज मारा। वंदन
अखंड आराधन कीर्तन थी फूले दिल न सार चरण पड़ी कर जो पूरा काज कर जो पूरा वंदन हो जिन राज हमारा वंदन हो जिन राज त्रिलखम आयुषम धारक त्रिलखम आयुषम धारक प्राप्त करावे एक स्वलक्षज निदिद्यासन ति अंतिम हित सिद्ध निदिद्यासन ति अंतिम हित सिद्ध महिटप के अमि प्याला महिटप के अमि प्याला वंदन हो जिन राज हमारा वंदन हो जिन राज हमारा आत्म भक्ति स्वरूप करणी आत्म भक्ति स्वरूप करणी ईश्वर अंतर माज ईश्वर अंतर माज ज्ञान क्रिया चे मोक्षक जननी ज्ञान क्रिया छु सुदात्मा आ छु सुदात्मा आ वंदन हो जिन राज जय सच्चिदानंद। क्या प्रश्न अभी में देखते हैं जैनी हो ब्राह्मण ब्राह्मण ओ ब्रह्म तेज वाले अच्छा शिव जी अच्छे लगते हैं भगवान की पूजा पाठ शिव जी सब अच्छा लगता है शांति नहीं है लेकिन मन को शांति नहीं है पूजा पाठ भी अच्छी लगती है पूजा पाठ भी करती हूँ बहुत दिन में भगवान लेकिन फिर भी मन को शांति जैसा अशांत मन बहुत रहता बेचैन अच्छा तो आपको कैलाश जाना पड़ेगा के दर्शन वहाँ होते हैं ना नहीं नहीं कैलाश भाव होगा तो घर में हो जाएंगे ऐसा हाँ क्या बात है।
आज है ना, शिवजी भी समझ गए हैं कि कैलाश तक किसी की आने की क्षमता रही नहीं है अभी, तो बोलो अभी मुझे ही वहाँ जाना पड़ेगा, लोगों के पास जाना पड़ेगा। हाँ, ये बात क्योंकि लोग ऐसे पुण्यशाली तो है लेकिन साथ साथ में थोड़े पाप कर्म का भी धक्का है, इसलिए वो पाप कर्म के धक्के से अशांत रहते हैं, लेकिन पुण्य भी है, तो बोलो अभी वो पुण्य के आधार पर तो भी मुझे जाना ही पड़ेगा उनके पास, ये बात है। ख्याल में आया? अगर शिव जी आपके घर पर आ जाए और आपको आशीर्वाद दे और आपकी अशांति चली जाए तो ठीक रहेगा? नहीं तो अशांति तो इसलिए हो रही हूँ ना कि भगवान की भक्ति से कोई मतलब, लेकिन घर का माहौल ऐसा है तो उससे अशांत रहते हैं ना। देखो घर का माहौल कलयुग है ना, तो किसके घर का माहौल अच्छा रहेगा, अपेक्षा क्या रख सकते हैं कलयुग में, तो सभी क्योंकि ये शरीर कलयुग का है और यहाँ कलयुग है, बाहर कलयुग नहीं है, लोगों के शरीर में मन में बुद्धि में कलयुग है, वो हटना चाहिए। नहीं तो बहुत ज़्यादा कलयुग अपन देख रहे हैं ना, तो फिर कैसे शांत रहे? इसीलिए कहा, देखो आप समझ सोचो, अब अर्धनारी स्वरूप देखा है ना, और आपने किसी की कहाँ है, हाँ लेकिन वो हृदय वाले शिव जी की पहचान नहीं है, मन अशांत रहता है ना, तो क्या बड़े 24 घंटे बैठे रहो तो भी मन तो दूसरी चीज में लग रहा है ना। इसलिए क्या कहा कि अगर भीतर के शिव जी को पहचान लिया, यानी आप शिव जी को पहचानेंगे तो आप शिव स्वरूप हो जाएंगे। अभी आपका शुभ नाम उसे भगवान ने ज्ञानी पुरुष ने जीव भाव कहा, क्या मैं जीव भाव, मैं अनिता हूँ। लेकिन अगर आपको पता चलता है कि मैं शिव, मेरे अंदर जो शिव जी है ना वो ही मेरा स्वरूप है, वो ही मेरा स्वरूप है, यानी वो मैं हूँ। हम कहते हैं ना कि शिव जी आत्मा में बसते हैं, शिव जी आत्मा में बसते हैं, आत्मा का मतलब है वो मैं हूँ। नहीं जैसे शिव जी आत्मा में बस रहे हैं, हाँ लेकिन जो अपन आत्मा में शिव जी बस रहे हैं, जो अपन देख रहे हैं तो शिव जी को भी ठेस लग रही है ना, ऐसा है? नहीं वो तो हमेशा मान लेते हैं, लेकिन वो ठेस किसको लगती है, हमने हमारी पहचान नहीं की है ना, इसीलिए हम जो शिव स्वरूप है ना वो हमें ठेस पहुंचती है, लेकिन जो मूल शिव स्वरूप अंदर आत्मा है ना वो तो अपने परमानंद में ही है। उनको देखो उनका स्थान कैलाश जी है, कैलाश है, कैलाश को जलाने के लिए गर्म करने के लिए आज तक कोई सफल हुआ है? कितनी भी अंगार डाल दो कैलाश पर क्या होगा, बुझ जाएगी, बुझ जाएगी, बुझ जाएगी, बराबर है? यानी कैलाश को कोई गर्म नहीं कर सकता। उसी तरह से जब हमारे भीतर के शिव जी जागृत हो जाते हैं तो वो जागृत होने पर बाहर की कोई भी परिस्थिति शिव जी को हिला नहीं सकते। शिव जी वो कैलाश पर्वत है ना, कैलाश पर्वत को किसने हिलाया था? रावण ने हिलाया था, लेकिन फिर उनका वो उसके कारण उनकी भक्ति जरूर से अच्छी थी, उनकी भक्ति थी इसीलिए वो कैलाश को हिला पाए, लेकिन फिर उनका वो दिमाग में चले गया, दिमाग में चले गया, समझ में आया ना हम ऐसे है कर, वो थोड़ी गलती के कारण आज उनके पुतला जला रहे हैं, लेकिन वो तो बहुत बड़े पुरुष है और ऐसा कहा गया है वो भविष्य में वापस आने वाले हैं पूर्ण भगवान होकर। आप सोचो
जो पूर्ण भगवान होकर वापस आने वाले हैं उनका पुतला अगर हम जलाएंगे तो हमारी क्या हालत होगी, ऐसा है ना। गलतियाँ सबसे होती है, किससे नहीं होती है। गलती का ऊपर दंड पड़ता है, दंड मिलता भी है, लेकिन जो उनकी बाकी की जो अच्छाई है ना उसको तो हमें ध्यान में रखना चाहिए ना, बराबर है। यानी वो ऐसा है, किसी को भी हम उसको क्या बोलेंगे, केंद्र में या स्थापना में या अपनी भक्ति में रखेंगे या मंदिर में रखेंगे करो, तो वो मंदिर में जिनको हम रखते हैं ना वो दोष वाले नहीं होने चाहिए। ख्याल में है, जो भगवान को हम मंदिर में रखते हैं उनके अंदर किसी भी प्रकार की त्रुटि होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, बराबर है। त्रुटि रहेगी और हम उनकी आराधना करते हैं भगवान समझ के, वो त्रुटि हमारे में भी आ जाएगी। ख्याल में आया, वो है बड़े पुरुष, हमें दिल में उसके लिए उनके लिए भाव रखना है, भक्ति रखनी है, लेकिन उनको मंदिर के स्थान पर नहीं रख सकते। ये तो समझ में आता है, किसी को भी समझ में आता है, क्योंकि वो अपने एक छोटे से पाप कर्म के कारण वो गलती हुई थी, लेकिन अगर हम उनको अपनी आराधना में रखते हैं तो हमें ऐसा लगेगा कि उन्होंने ऐसा किया था ना, वो हमारे आराध्य है करके उन्होंने ऐसा किया तो मैं भी करूँगा तो चलेगा। ख्याल में आया, तो हमसे बड़ा दोष हो जाएगा। लेकिन हमने ऐसे महापुरुष की स्थापना की जिनमें कोई त्रुटि नहीं है, तो हमें भाव ऐसा होगा कि उनके जैसे त्रुटि रहित रहना है मुझे। तो हम अगर कुछ ऐसी गलती करने का संजोग भी आ जाए हम नहीं करेंगे, हमारे आराध्य नाराज होंगे, ऐसा होता है। समझ में आया, इसीलिए हम शिव जी को रखे है कि बिल्कुल त्रुटि रहित संसार के जहर किए लेकिन वो निकल नहीं गए। संसार के जहर अगर हम निकल जाते हैं तो हमें जहर क्या बोले, जहर की असर हो जाएगी, बताइए। और अगर हमने जहर को बाहर थूक दिया यानी बाहर फेंका, तो बाहर वो जहर से लोग मर जाएंगे या जीव जंतु मर जाएंगे। समझ में है, इसीलिए वो समझ गए कि ये मेरे कर्म का फल है तो ये जहर मुझे ही पीना पड़ेगा और निकलना नहीं है, निकलना नहीं, इसलिए गले में रखा, इसलिए उनको नीलकंठ कहा। समझ में आया अभी, तो ये आपके अड़ोस पड़ोस में है ना, जो भी घर में है वगैरह जो भी ऐसा होता है ना, वो तो सब कर्म के धक्के से होता है। लेकिन वो कर्म के धक्के को देख कर हमारे अंदर वो जहर आता है स्वाभाविक, उसका भुगतान आता है, तो भुगतान को हमें निकलना नहीं है। लेकिन भुगतान को नहीं निकलने के लिए आपका शिव स्वरूप जागृत होना चाहिए। आपके भीतर के शिव जी अगर जागृत होते हैं तो वो शक्ति से, वो संयम से वो जहर आएगा, आप उसको निकाल क्या बोलते हैं, निकलेंगे नहीं है, तो आप भी नीलकंठ हो जाएंगे। लेकिन आज वो शिव स्वरूप जागृत नहीं है ना, वो तो जीव भाव में होने से या तो हम अगर शक्ति नहीं है तो निकल लेते हैं, वो खुद परेशान होते हैं। और जो ताकत वाले होते हैं ना वो निकलते नहीं है, बाहर करके फूंक देते हैं, यानी बाहर वो लोगों को दुखी करते हैं, यानी लोग उनसे दुखी होते हैं। तो जो अगर बाहर थूकते हैं तो वो बहुत बड़ा पाप बनता है, और जो निकल लेते हैं उसका भी पाप बनता है लेकिन वो छोटा पाप बनता है। लेकिन जो नीलकंठ होकर गले में ही रहते हैं और बिल्कुल समाधि में रहते हैं तो आप शिव जी हो जाएंगे, और शिव जी का सुख आपको अनुभव में आएगा। कैसा भी कष्ट नहीं, श्री कष्ट हिमालय में कितने भी अंगारे फेंको ना, कितने दो गोले मारने मारो फेंको, कैलाश को कुछ होता नहीं है,
इसीलिए आज भी कैलाश वेचा का वेचा ही है। बात समझना, इतने सारे विश्व युद्ध हुए, दो तो हो गए और बाकी के ये सब छोटे मोटे युद्ध होते ही रहते हैं, लेकिन कैलाश को कोई आँच नहीं आई। क्यों? युवा शिव जी है। इसीलिए मैं अनिता जी हूँ, वो हमारा जीव भाव, वो जीव भाव से हम कमजोर रहते हैं। जीव भाव से हमारी शिव शक्ति जो है ना, वो प्रकट होनी चाहिए, जागृत होनी चाहिए, और वो जब जागृत हो जाती है तो माँ काली का स्वरूप हमारे अंदर जागृत हो जाता है। फिर वो शक्ति से हम दूसरों को दुख नहीं देंगे, लेकिन आप कभी दुखी नहीं होंगे। आपके अंदर वो शक्ति आ जाएगी कि जिस शक्ति से कोई इतना भी दुख दे आपके कर्म संयोग से, लेकिन आपको वो दुख स्पर्श नहीं कर सकता, आपकी समाधि जाएगी नहीं। बोलो उसको खात्री को क्या बोलते हैं, उसका बिल्कुल आपको पक्का आपकी समाधि जाएगी नहीं, उसको ऐसा बोलते हैं। जो शब्द नहीं आ रहा है मेरे मुख में, लेकिन ऐसा है, आपकी समाधि जा ही नहीं सकती, लेकिन भीतर शिव जी जागृत होना चाहिए। तो शिव जी को कब जागृत करेंगे? बोलिए पधारिए। जय सच्चिदानंद। हाँ, आपका परिचय रमेश जी, आपका परिचय। पहले दूसरे आए थे, पहले आप आए। हम तो आए, आप भूल गए। नहीं नहीं बीबी, मैंने पहचाना गोपाललाल शर्मा। हाँ, चेहरे से मैंने पहचाना गोपाल लाल शर्मा। अच्छा, यानी कृष्ण के लाल हुआ। बोल, अभी कृष्ण के लाल है तो आपको कोई तकलीफ नहीं होनी है ना? है नहीं ना कि है? नहीं, वो नहीं है कि नहीं तो बराबर सही गोपाल के लाल बराबर। और आपका प्रिय जी, आप ही आए हैं। गिरिराज गुप्ता। पहले आ चुके हैं? हाँ, एक दो बार आ चुके हैं। बराबर, आप समझ गए, शिव जी कैलाश में है और आज कलयुग होने के कारण घर घर में झगड़ा है और सभी के शरीर में भी वो कलयुग प्रवेश कर चुका है, यानी दिमाग में कलयुग प्रवेश कर चुका है। अभी आपको बोलेंगे शिव जी का दर्शन करने के लिए आपको कैलाश जाना पड़ेगा, तो आप कैसे जाओगे, किस तरह से जाओगे, जा भी पाओगे? आप वो परिस्थिति को देख कर ही बोलेंगे नहीं भाई, हम तो नहीं जाएंगे। तो यहाँ शिव जी भी समझ गए कि ये लोग भारत के हैं ना, हम भारतीय नहीं हैं। भारतीय याने जो प्रकाश वाले हैं, भारत यानी प्रकाश, भारत यानी जो प्रकाश से भरपूर है, यानी इतनी तो हमारी पुण्य है हमारे पास, जिसके कारण हम भारत में हमारा जन्म हुआ, और भारत में जन्म हुआ इसीलिए हमारा हक बनता है कि हम भीतर के भगवान के दर्शन कर लें। तो हो गए ना आपके दर्शन, भगवान के दर्शन हो गए ना? भगवान अपने पास वो तो सब लोग बोलते हैं, लेकिन मुझे महसूस होना चाहिए ना कि मेरे अंदर भगवान है, मैं कुछ भगवान करके। अगर वो हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप मंदिर जाओ या ना जाओ कुछ होता नहीं है। घर में सभी के अंदर भगवान के दर्शन करोगे, खुद के अंदर भगवान के दर्शन करोगे, बोलो वो तो हो गया ना। गुप्ता जी, हो गया ना?
हो गया कि नहीं हुआ? वो तो अलग बात है, वो मारने की वो बात है। ऐसा है, देखो देखो देखो, मैं एक बात वैसे तो देखो ना बोलिए, उसकी तो कोई साकार मूर्ति जैसे कुछ मान लो गिरा था, क्या बताया ईश्वर की जो आप किस रूप में मानते हो उसी रूप में देखने को मिलेगा वो तो। अच्छा ये रूप वाले भगवान है कहाँ? लेकिन देखो, अगर मैंने भगवान के दर्शन किए तो भगवान मेरे साथ ही रहेंगे, और अगर वो भगवान मेरे साथ रहते हैं तो मुझे क्या चीज परेशान करेगी आप बताइए? यही से दिया दे रहा है। हाँ बोलिए ना, अगर भगवान के दर्शन मैंने किए हैं तो उसको क्या कहते हैं? अगर भगवान के दर्शन हुए हैं तो वो भगवान आपके साथ ही रहेंगे। दर्शन होना जैसे कि बताता हूँ, शादी हुई ना, बराबर है। शादी होने पर आपने अपने धर्मपत्नी के दर्शन किए। दर्शन करने का मतलब यह है कि वो मेरे धर्मपत्नी है, ऐसा मेरी श्रद्धा में बैठ गया, बराबर है। और उनको भी वो श्रद्धा बैठ गई कि ये मेरे पति देव है, बराबर है। तो अभी वो आपके साथ ही रहेंगे ना, संयोग से वो घर पर है, आप यहाँ हो, लेकिन आपके दिल में से वो जाते नहीं है कभी भी, पता सही है ना? ये बात समझना है। वैसे ही अगर भगवान के दर्शन हो जाते हैं तो भगवान आपकी दृष्टि में से जाएंगे ही नहीं कभी। दृष्टि में से नहीं जाना उसका मतलब यह है कि जहाँ भगवान है वहाँ आप अच्छे से दर्शन कर लोगे, और भगवान के दर्शन करते हैं तो तृप्त नहीं होते हैं, तृप्ति होती है ना, संतोष हो जाता है ना, ख्याल में आया शर्मा जी? ये बात है। तो भगवान के दर्शन होना जरूरी है, और वो जो भगवान हम कहते हैं मंदिर में जाके दर्शन करते हैं वो तो बराबर है, जब मंदिर में गए तो दर्शन होता है, और उनको बार बार दर्शन करना चाहिए और हर रोज जाना चाहिए। तो भगवान क्या बोलते हैं कि मेरे दर्शन कब तक आना है आपको? जब तक आपके भीतर के भगवान के दर्शन नहीं हुए, आपके भीतर के शिव जी का दर्शन नहीं हुआ, आपके भीतर के कृष्ण भगवान का दर्शन नहीं हुआ, आपके भीतर के महावीर भगवान का दर्शन नहीं हुआ, तब तक आपको दर्शन में दर्शन करने जाना है, देहरादून जाना है। और जब आपके अंदर दर्शन हो जाते हैं तो वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप जाओ भी तो वहाँ देखकर भी आपको पता चलेगा कि वो मेरा ही स्वरूप है, ख्याल में आया? क्योंकि आपने वही आपके इष्ट देव का दर्शन अपने भीतर कर लिया। ये बात तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को वही उनके भीतर जो कृष्ण भगवान रहते थे उनका दर्शन करवाया, क्योंकि कृष्ण भगवान ने कहा मैं तुम्हारे अंदर भी हूँ लेकिन तुम्हें पता नहीं है, इसीलिए आप ये परिस्थिति को देख के विचलित हो गए। मैं भी ये परिस्थिति हूँ, युद्ध में तो मैं ही नहीं हूँ लेकिन मैं विचलित हूँ, मैं बिल्कुल साथ हूँ, स्थिर हूँ, ख्याल में है? और बताया भी हम सब पूरे प्रयत्न कर चुके हैं कि युद्ध नहीं करना है, लेकिन हम क्षत्रिय हैं और ये परिस्थिति आ गई कि संयोग नहीं बना, तभी बोले युद्ध करना अनिवार्य हो गया, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म है कि ऐसे अधर्मी का विनाश करना। अधर्मी का विनाश करते करते अगर उनका विनाश हो गया ना, क्योंकि उन्होंने धर्म का पालन किया ना, क्षत्रिय धर्म का, बोलते हैं वीर गति प्राप्त करेंगे यानी स्वर्ग में जाएंगे, और अगर यहाँ जीत गए तो ये भूमि का राज आपके नसीब होगा। दोनों परिस्थिति में आपका कल्याण ही है,
आपको फायदा ही है। अगर आप भाग गए क्षत्रिय धर्म से, बोले क्या बोलते हैं उसको, पीठ दिखाकर भाग गए ना, आप माफ नहीं करेंगे। नहीं, फिर उसमें केवल आपका पतन है वो समझाया, लेकिन फिर उंगले लेकिन आपके दर्शन में होते नहीं है ना, हमारे में या दूसरों में, बोले वो ऐसे दर्शन नहीं होते, ये चमड़े की आँख के दर्शन नहीं है, ये तीसरी आँख खुलनी चाहिए, शिव जी की तीसरी आँख खुल जाती है ना, फिर खुद के अंदर शिव जी के दर्शन होते हैं और सभी के अंदर शिव जी के दर्शन होते हैं, फिर आप मंदिर जाओ तो मंदिर भी जाओगे तो आपको यही एहसास होगा कि प्रभु आपके हमने दर्शन हमारे भीतर ही कर दिए, आपका स्वरूप वही मेरा स्वरूप है, इसीलिए अब मेरी प्रसन्नता भी बिल्कुल जाती नहीं है। फिर पता है माँ जी अनिता जी, ये आँख खुली होते हुए भी वो बंद ही होती है कभी भी, और ये आँख दिखाई नहीं देती है फिर भी वो हमेशा खुली रहती है, ये अच्छा है कि बुरा है? चीटी को कभी देखेंगे ना, ये आँख बंद ही होती है, उसका मतलब क्या है कि ये आँखों से ये दुनिया को देखने जैसा है नहीं, क्योंकि ये आँखों से देखेंगे और ये आँखों से देखा अगर आप मानेंगे कि वही सही है, आपको बहुत तकलीफ होगी क्योंकि वो सही नहीं है, सही नहीं है। और ये तीसरी आँख से जो दिखता है ना शिव जी की आँख है, उसमें आपको सही पहचान होगी कि हकीकत क्या है, और जिन्होंने हकीकत जान ली वो तो समाधि में ही रहते हैं, समाधि का मतलब है वो कभी अस्थिर नहीं होंगे, इसीलिए ये आँख खुली होने पर भी देखने पर भी वो आँखों से कुछ देखना नहीं है, देखेंगे जरूर से लेकिन देखेंगे ये आँख से, यानी आँखें फिरेगी सभी जगह पे लेकिन देखना है ये तीसरी आँख से ही, तो खुलेगी तब देख पाएंगे ना, आपकी खुल गई ना, दर्शन करने के लिए हाँ क्या बताया, दर्शन होंगे भगवान के अंदर अंदर आप करोगे तो तीसरी से होंगे, होंगे तो इनसे होंगे नहीं, हाँ लेकिन मैं क्या पूछ रहा हूँ कि आपकी ये तीसरी खुल गई ना, ये भी बाकी है। देखो ये हम संसार की शादी करते हैं ना, तो पति पत्नी दो होकर भी एक होकर जीना होता है ना, दो होने पर भी एक करके जीना है, ये दो आंखों की आंखों से ये खुली आंखों की शादी है, और ये तीसरी आंख का मतलब क्या है कि शिव जी से हमारी शादी हो जाती है, और शिव जी से शादी हो जाती है तो शिव जी की पहचान हमारे भीतर ही हो जाती है, ये दाहिना भाग है ना वो शिव जी का है और बायां भाग है ना वो पार्वती जी का है, यानी शिव जी का दर्शन आपके अंदर भीतर ही हो जाएगा, और आपकी शर्मली की प्रकृति है ना शरीर वो पार्वती के समान हो जाएगा दिव्य, ऐसा है। गुप्ता जी क्या सोच रहे हो? बिल्कुल सही है, इन आँखों से तो हाँ, लेकिन ये अंतर मन में रखना चाहिए। हाँ तो बोले क्या है कि ये आँख खुली होने पर भी ये आँख ना देखे, और ये आँख दिखाई देती बंद होने पर भी ये आँख से अगर हम देख लेते हैं ऐसी आँख ये खुल गई, उसे अंतर चक्षु बोलते हैं, दिव्य चक्षु बोलते हैं, शिव जी का शिव नेत्र बोलते हैं, पर ये खुल जाता है आपको हमेशा शांति रहेगी। घर में आया बोलिए, तो कब जाओगे कैलाश? कैलाश जाना है कि शिव जी यहाँ आए ऐसा करना है बोलो? सर्वत्र सर्वत्र उसका क्या मतलब होता है? मेरे शरीर में मुझे अनुभव होता है तब मुझे मुक्ति का, शांति का, सुख का एहसास होता है। बोलिए, देखिए अर्जुन को कृष्ण भगवान मिले थे, कृष्ण भगवान के आशीर्वाद से उनकी तीसरी आँख खुल गई, उन्होंने युद्ध किया जो नहीं करने वाले थे, भाग जाने वाले थे, सन्यासी हो जाने वाले थे, फिर भी उन्होंने युद्ध किया, उन्होंने युद्ध जीता और वो मोक्ष में भी गए। उसी तरह से हनुमान जी को भी राम भगवान से यही दृष्टि मिली थी,
गौतम स्वामी को महावीर भगवान से ये दृष्टि मिली थी, और आज जैसे कृष्ण भगवान, राम भगवान, महावीर भगवान जैसे दादा भगवान का योग बल काम कर रहा है, और अगर आपको वो करवाना है या करना है तो हो सकता है, आपकी क्या इच्छा है? माता जी बोलिए, क्या करना है? दादा भगवान का देखो, कृष्ण भगवान को वासुदेव नारायण जी शरीर से अंदर कृष्ण भगवान, राम भगवान वो बाहर नाम शरीर का था लेकिन भगवान अंदर थे, उसी तरह से महावीर भगवान अंदर थे बाहर वर्धमान स्वामी थे, शरण में आए तो ये दादा भगवान वो तो अंदर का प्रकट स्वरूप है, वही शिव स्वरूप है, वही हमारा स्वरूप है, कृष्ण भगवान वो मेरा स्वरूप है, राम भगवान मेरा स्वरूप है, महावीर भगवान मेरा स्वरूप है, शिव स्वरूप मेरा है, वो मैं हूँ, वो जब हो जाता है तो हमारा काम बनता है। बोलिए, आज संजोग ऐसा है कि वो कल एक बहन जी आए थे, वो उनके लिए वो होने वाला है, शिव जी यहाँ पधारेंगे, आपके अंदर भी आ जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे, आपको आना है तो आइए, चल में शिव जी बाहर नहीं है, शिव जी हमारे अंदर ही है, लेकिन हमारे भीतर के शिव जी से हमारी शादी होनी चाहिए, यानी वो मैं हूँ करके होना चाहिए, वही मेरा स्वरूप है करके। शर्मा जी हो जाएगा अगर आपकी इच्छा है, है ना, पंडित जी तो सब जगह पे होते हैं शादी करवाने के लिए, लेकिन जब हम शादी के लिए तैयार होते हैं तो पंडित जी को ढूंढते हैं और बोलते हैं कि भाई हमारी शादी करवा दो, वो करवा देते हैं। साल में आया ये बात है, गुप्ता जी फिर से आप सोचने लग गए, हाँ ऐसा है ना, ये हकीकत है, ये हकीकत है। अभी एक और भी बात है, देखिए शिव जी जैसे हम बाहर से देखते हैं ना तो ऐसा लगता है कि उनकी आंखें बंद है, क्योंकि वो तीसरी आंख से ही देखते हैं, तो बोले कि जांच करना पड़ेगा अभी हकीकत क्या है, तो ये शास्त्रकार है ना वो अच्छे से जानते हैं ये सब रहस्य, तो जब मूर्ति बनाते हैं ना तो वैसे ही बनाते हैं। तो हम वहाँ जबलपुर गए थे, वहाँ एक बहुत बड़ा शिव जी का मंदिर था और बहुत बड़ी प्रतिमा ऐसे शिव जी बैठे हैं करके 3-4 किलोमीटर दूर से दिखाई देते थे, पीछे से नजदीक है नजदीक है नजदीक है, वहाँ से दूर से तो ऐसा लग रहा था कि आँखें बंद है और तीसरी आँख खुली है, नजदीक है नजदीक है, फिर वहाँ गए और फिर हम तो क्या बोले, वो नजदीक जाके दर्शन करते हैं ना, तो वहाँ पर वो ऐसे सामने बिठाए थे, यानी उनका मूर्ति थी बहुत बड़ी विशाल मूर्ति, ऐसा करके देखना पड़ता था ऐसा, और वो एक जगह थी वहाँ पर एक वो जैसे वो सेंटर ना हो केंद्र ना हो ऐसा करके, तो जब वहाँ खड़े रहे ना यानी नज़दीक गए, दूर से तो आंखें बंद लगती है लेकिन नज़दीक गए ना तो पता चला कि शिव जी तो देख रहे हैं, उनकी आँख खुली है, दूर से बंद दिखती है नज़दीक से खुली है, ऐसा क्यों है? बोलिए, हाँ दृष्टि भ्रम नहीं, वो तो बराबर है क्योंकि दूर से आंखें बंद लगती है लेकिन नजदीक है तो पता चला कि उनकी आंख खुली है, लेकिन वो ऐसा सब लोगों को नहीं देखते हैं। हाँ वही दृष्टि से देखते रहते सब लोग, हाँ एक दृष्टि है उनकी सामने, लेकिन उनके पीछे रहस्य है, इसीलिए ये जो जितना नजदीक जाओगे तभी आपको आमना सामना होगा, गीता जी क्या है उसका रहस्य ये है, ये शिव जी का रहस्य योगी लोग जानते हैं,
इसीलिए योगी लोग भी ऐसा करके ध्यान में बैठते हैं ना, तो हमें सामने से दिखाई देता कि उनकी आंखें बंद है, लेकिन वो हकीकत में अपने नाक पर दृष्टि रखते हैं। उसका क्या मतलब है? नाक पे दृष्टि प्रेम में आंखें करते हैं, उसके पीछे का रहस्य यह है कि नाक है ना, सभी का नाक है ना, वो अहंकार का प्रतीक है। किसी का अहंकार कैसा ना, और नाक देखो, लेकिन वो तो उन्हें पढ़ने आता नहीं है, समझ में आता नहीं है, उनका नाक को देख के पता चलता है कि ये कितने अहंकारी है, बड़ा है, छोटा है, कोमल है, कठोर है, समझने के लिए। लेकिन है, हकीकत यह है, लेकिन हमें वो पढ़ने आता नहीं है। उसका ये जय जति जाना है उसी पर आपका चुना। मेरा नाम कृष्ण कुमार होता। कृष्ण कुमार, कृष्ण कृष्ण कुमार, क्या बात है, कहाँ रहते हो? महेश नगर, पास में ही, 5 किलोमीटर। अच्छा, रमेश जी को जानते हो? अरे बहुत पुराने हैं साहब, इसलिए तो इनके समाचार मिलते ही सब छोड़ के नाश्ता पानी पहले चले गए। मेरा सत्संग कहाँ मिलता है? लेट थोड़ी सूचना हो रही, इसलिए आपको अभी गाड़ी बैठ के पहुँचना है। तैयारी करके आ गए, इतनी तैयारी करके आ गए। तैयारी क्या, पहले चल पड़े तो भाई यही सोचते हैं पहुँचना ही है, आगे तो फिर प्रभु की इच्छा ही तो दिमाग लगाए। कृष्ण कुमार गुप्ता तो बड़े बड़े नाम के अनुसार ही आपके गुण हैं, बस कृपा है आपको आशीर्वाद है। तो हम ये सिटी की बात कर रहे थे कि दूसरी आंखें बंद लगती है, और जैसे कि वो ध्यान बैठे हैं और कितनी आंख उनकी खुली है, लेकिन नजदीक जाने पर पता चल कि उनकी आंखें थोड़ी खुली है, और वो ऐसा करके देखते हैं। ये योगी लोग हैं ना, अपने नाक के ऊपर ध्यान करते हैं। अभी वो रूपक है, रूपक ज्ञान है, समझते हैं रूपक है, हकीकत क्या है। नाक को देखने का मतलब कि जीवन के परिस्थितियों में बाहर से कुछ भी आपके ऊपर आता है, सुख आता है या दुख आता है, वो हमारे कर्म का फल है। ये पहली बात, सुख या दुख जो आता है ना, वो कोई देने वाला नहीं है, वो यहीं से जो पहले गया है ना, वो वापस आ रहा है। तो वो जो भुगतान का अहंकार है ना, जो भुगतान करवाता है, भुगतान करवाता है, जैसे कि सोचिए कि आप सो रहे हैं, किसी ने आपको गाली दी, आप सो रहे हैं, आपको क्या असर होगी? कुछ नहीं। लेकिन अब जाग गए और कोई आपके सामने टुकड़ टुकड़ देखते हैं, क्या बोले, ए मेरे सामने क्या टुकड़ टुकड़ देखते हो, किसी और देखो, इतनी भी असर हो जाती है, यानी उसकी एक प्रकार की पीड़ा होती है, तकलीफ होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, अच्छा लगता है वो भी भुगतान है, बुरा लगता है वो भी भुगतान है। वो जो भुगतान करवाता है ना, वो कर्म का परिणाम है और वो अहंकार है कि कितना भुगतान आया। भगवान को अहंकार नहीं था, इसीलिए उनको भुगतान आने पर भी वे विचलित नहीं हुए, क्योंकि बोले कि वह आत्मस्वरूप में स्थिर है। हम आत्मस्वरूप प्राप्त नहीं होने पर हम शरीर में जो पीड़ा आती है कर्म संयोग से, उसी में खो जाते हैं। तो शिव जी ये ध्यान करते हुए, शिव स्वरूप शिव जी का ध्यान, खुद वो तीसरी आंख से देखते हुए ये शरीर के ऊपर कर्म संयोग से क्या आता है वैसा देखते रहते हैं, और देखते रहते हैं, यानी
वो मेरे कर्म का फल है, बाहर जो दे रहे हैं वो निर्दोष है। वो कुछ तीसरी आंख से समझ में आता है कि देने वाले निर्दोष है, गलती मेरी है, इसीलिए उनको जो भुगतान आता है वो भुगतान को देखते रहते हैं, कोई भी संजोग छोटा बड़ा कुछ भी हो। लेकिन संजोग का आखिर का परिणाम क्या है, मुझे अच्छा लगा या मुझे बुरा लगा, यानी भुगतान ही है। कोई भी संजोग का आखिर का परिणाम भुगतान ही है। बाहर गए, वहाँ गए, ये खाया, वो किया, ये किया, वो किया, जो भी किया, लेकिन उसका परिणाम दो ही पहलू में आते हैं, अच्छा लगा या बुरा लगा। वो भुगतान में से सभी को गुजरना पड़ता है। इसीलिए शरीर को शरीर न देखते हुए क्या है, बोले वो भुगतान है। वो क्या है, बोले है रमेश जी लेकिन है भुगतान। वो क्या है, शर्मा जी है भुगतान, ख्याल में है। वो कुत्ता क्या है, भुगतान है। साक्षी भाव से देखते रहो। हाँ, साक्षी भाव में देखना होगा। हाँ, लेकिन वो साक्षी भाव के ऊपर की बात है। ये साक्षी भाव को वो उसको क्या बोलते हैं, कल्टीवेट करना पड़ता है, और वो भी अच्छी बात है। लेकिन उसके ऊपर जब ये आंखें खुल जाती है ना, तो वो साक्षी भाव से ऊपर आ गया। उसे क्या बोलते हैं, हमने ज्ञान में प्रवेश किया। ज्ञान में प्रवेश करना यानी हम यहाँ रहते हुए भी, हम जैसे कैलाश में रहते हैं ना, ऐसा ऐसी अनुभूति हमें होती है, यानी शांति की अनुभूति होती है, बिल्कुल समाधि की अनुभूति होती है। ये बात होती है, ये शिव जी की दिखाई देता है कि आंखें बंद है, लेकिन वो असल में खुली है। और वो खुली आंख से कितना देखते हैं कि ये भुगतान कितना और कैसा आया, और वो अपने कर्म का परिणाम है समझकर बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। और वो कर्म का परिणाम सभी को गुजरना ही पड़ता है, लेकिन उसको देखना होता है। देखने का मतलब है कि उसको ये मेरा भुगतान करके नहीं रखना है, और वो कर्म का भुगतान आके चले। कर्म का भुगतान तो उसे जो आप इसे ज्ञान भाव कहते हैं, ज्ञान भाव। और अगर उसको और भी स्पष्टता करें, दृष्टा भाव बोलते हैं। साक्षी भाव से ऊपर का भाव दृष्टा भाव है, और दृष्टा भाव से देखते देखते समझते समझते हम ज्ञाता भाव में जब आ जाते हैं तो वो अनुभव पूर्ण हो जाता है। ज्ञाता भाव है ऊपर, साक्षी से ऊपर। और आखिर का है ज्ञाता भाव, आखिर का है कि ज्ञाता भाव को हो जाना, यानी आप फुल शिव जी हो गए, कंप्लीट हो गए। जैसे कर्म का फल कोई जीव भोगता है या शरीर भोगता है, कौन भोगता है? अहंकार भोगता है, अहंकार भोगता है। देखिए, इसलिए मैंने आपको उदाहरण दिया कि आप सोए हुए थे, किसी ने गाली दी, आपको कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैं कृष्ण कुमार हूँ, आप जागृत नहीं है, सोए हुए सोते हैं ना, तो अहंकार भी सो जाता है। इसीलिए जब गाली देते सोते हुए तो आपको कुछ नहीं होता है, लेकिन आप जाग गए और किसी ने कुछ कहा टेढ़ा मेढ़ा कुछ, तो आपको तुरंत होता है मुझे कहा, ख्याल में है। इसीलिए वो अहंकार भुगतान करता है। अहंकार क्या है, अहंकार के बारे में खूब सुनते हैं। हाँ, बराबर है। अहंकार का खुलासा, अहंकार का मतलब क्या है, जो आप नहीं है, जो आपका नहीं है, उसे माना कि वो मैं हूँ और मैं मेरा है, ख्याल में है। देखो आप ये शरीर के बारे में क्या बोलते हैं, मेरा शरीर कहते हैं ना। फिर मन के बारे में क्या बोलते हैं, मेरा मन, बानी बोले मेरी बानी। मन मेरा, अहंकार मेरा अहंकार, मेरा अहंकार बोलते भी हैं, ये न जानते हुए मैं कृष्ण कुमार हूँ अंदर से है ना, इसीलिए वो अहंकार से अलग नहीं समझ सकते, इसीलिए वो खुद हो जाते हैं। तो क्या बताया, ये जो मेरा कहने वाला मैं कौन, और वो जो मैं है ना, वो हमारा शिव स्वरूप है,
वो हमारा दृष्टा स्वरूप है। साक्षी भाव से ऊपर, साक्षी भाव यानी अहंकार को आपने इतना ट्रेन किया कि वो किसी भी चीज़ के क्रिया के पीछे कर्ता भाव में नहीं आते, तो साक्षी भाव में आ गए। लेकिन वो भी बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन वो फाइनलिटी नहीं है। हाँ, नहीं कई सत्संग प्रवचन सुने, कई दार्शनिक हो गए संतों, क्या कहो उनको, वो कहते हैं पहले दृष्टा भाव घटेगा फिर साक्षी भाव घटता है, वो उल्टा बताते हैं। नहीं, दृष्टा भाव तो है ना, आत्मा का सीधा गुण है, सीधा और है। साक्षी भाव अहंकार का गुण है, अहंकार की बहुत ऊंची कक्षा है। लेकिन क्या ये स्पष्टता तो स्पष्टता तो दादा भगवान ने की जो, क्योंकि दृष्टा भाव में आ गए ना, यानी आप भगवान के साथ बैठ गए, और एक बार भगवान के साथ बैठ गए तो फिर नीचे उतरना होता ही नहीं है, फिर आप वो ज्ञाता भाव तक पहुँचेंगे और वही परिपूर्ण, ये बात है। दूसरा, जैसे नासिका अग्रभाग में भी संशय पैदा होता है, नासिका का अग्रभाग कौन सा माना जाए? समझ में नहीं है। नासिका का अग्रभाग में नासिका इसको बोलेंगे, नासिका अग्रभाग वो क्या, हाँ भाई कौन सा लोकेशन है उसकी, अग्रभाग इसको मानेंगे तो ना का अगले का हिस्सा, हाँ, या फिर इसको माने नाभिका होती है। देखो अग्रभाग यानी बिगिनिंग है ना, बराबर है, अग्रभाग ये नहीं आ गया, ये क्या बताया फिर आप, ये करो भाई, ये वाला पोर्शन अग्रभाग माना जाए, हाँ, लेकिन वो ये वाला माना जाए, नहीं लेकिन आपने बताया क्या, नासिका के अग्रभाग में जैसे ध्यान करने की बात होती है, जैसे गीता में भी कहा है, हाँ, नहीं नहीं तो वो अलग बात है, हाँ, नासिका का अग्रभाग यानी ये भाग, और ये भाग जो है ना, हाँ, ये जो भाग है ना वो नाक खुद अहंकार का प्रतीक है, और जो हमें भुगतान आता है ना वो अहंकार को भुगतान आता है, वो अहंकार का भुगतान है, हमारा भुगतान नहीं है। हमें तो क्या बोलते, देखो मुझे अच्छा लगा, जैसे आप सुनते हो ना, मैंने कहा मुझे अच्छा लगा, मैं कहता हूँ मुझे बहुत बुरा लगा, आपने सुना, ठीक है, ऐसा कहते हैं ना, आपको समझ में आता है कि मुझे अच्छा लगा मुझे बुरा लगा। अभी मैं क्या बोलता हूँ, मैं कौन हूँ, मैं दीपक आनंद, ख्याल में आया, तो ये अहंकार का भुगतान है। लेकिन जैसे आप मेरे से अलग हो ना, तो आप समझ पाते हो कि ये भुगतान मेरा नहीं है, ये दीपक आनंद का है। ऐसे ही जब आप अपने आप को पहचान लेते हो, दृष्टा भाव में आते हो कृपा से, तब आपको कृष्ण कुमार का भुगतान जैसे आपने मेरा देखा ना, ऐसे आप कृष्ण कुमार का देख पाएंगे। तो उसे क्या बोलते हैं, ये नासिका के ऊपर ध्यान करना है, लेकिन वो करना नहीं पड़ेगा, वो ध्यान करना नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर तो ये तीसरी आँख खुल जाने पर वो अपने आप ध्यान होगा, क्योंकि फिर आपको नासिका को नहीं देखना पड़ेगा, आप कृष्ण कुमार के अहंकार को अच्छे से देख पाओगे। हाँ, तो ऊपर की स्टेज हो गई, शुरू में तो अपने लगाने पड़ेगा ध्यान, बहुत अच्छा है ना, जैसे कि आईने में हम देखते हैं ना, आईने में दिखते हैं ना, जैसे आईने में आप दिखते हैं ना, ऐसे आप कृष्ण कुमार को देखेंगे, अलग से देखेंगे आईने के बगैर, आईने के बगैर, तो वो ये तीसरी आंख की कमाल। क्योंकि उसमें ये जो गीता का श्लोक है पढ़ने सुनने में आता है, अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कृष्ण भगवान, तो अर्जुन ने नासिका के अग्रभाग में दोनों प्रवृत्तियों के मध्य में ध्यान लगा, अब उसके हिसाब से मैंने हिसाब लगाया, दोनों प्रवृत्तियों के मध्य में ऐसा नहीं है, ये जो जगह है ना वो ज्ञान नेत्र है, आज्ञा चक्र बोलते हैं, आज्ञा चक्र है, और आज्ञा चक्र हम अपनी मर्जी से चलते हैं ना,
किसी की मर्जी को सुनते नहीं है, मानते नहीं है, बड़ा गिनती में रखते नहीं है। तो ये जब ज्ञानी के आज्ञा में हम आ जाते हैं ना, तो ये ज्ञान चक्र खुल जाता है, आज्ञा चक्र खुल जाता है। और ये जब आज्ञा चक्र खुल जाता है तब आपको आपका पूरा अहंकार दिखाई देगा। फिर नासिका पर ध्यान करना नहीं पड़ेगा, नासिका के ऊपर ध्यान स्वाभाविक रहेगा। यानी नासिका को वो तो एक प्रतीक के रूप में बताया, क्योंकि उनको ये तीसरी आँख खुली नहीं है, इसीलिए ये चमड़े की आँख का ध्यान वो ऐसा करने लगते हैं, वो अभ्यास करना पड़ता है। इसीलिए वो बिल बिल देखते हैं ना, शिव जी को चढ़ाते हैं बिल, तीन तीन पन्ने वाले, दो पन्ने ऐसा होते हैं और एक पन्ना सीधा होता है। वो जो पत्ता सीधा है ना, वो शिव जी की आँख है, शिव नेत्र है, लेकिन सभी की बंद होती है। और लोग संसार के क्या बोलते हैं, जो क्या बोलते हैं, संसार में जिनको रहना है तो वो बताते तीसरी आँख नहीं खुलनी चाहिए, अगर तीसरी आँख खुल जाएगी तो आपका संसार खत्म हो जाएगा। डरा दिया सबको, संसारी लोगों को, तो संसारी लोग दूर ही रहते हैं, बोले नहीं नहीं तीसरी आँख नहीं खुलनी है भाई, क्योंकि उसको क्या बोलते हैं, अभी इंग्लिश में मैं बोलता हूँ, संसार के कॉन्स्पायरेटर्स जो है ना, जो कॉन्स्पिरेसी करते हैं और लोगों को संसार से बाहर निकलने नहीं देना है उनको, कॉन्स्पिरेसी करना, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं, साजिश। हाँ, ये संसारी लोगों की साजिश है कि ये लोग यहाँ से जाने नहीं चाहिए, अगर ये लोग चले गए तो फिर मेरा संसार कैसे चलेगा, मेरा धंधा कैसे चलेगा, ख्याल में आया? नहीं, पर इसमें मेरा थोड़ा सा कुछ भिन्नता है, मत बोलिए। अगर ऐसा नहीं, मैं ये मान नहीं सकता, जो ऐसा लोग भ्रमित कर रहे हैं ना उनको, शायद वो खुद ही अंधेरे में, उनको ये पता ही नहीं कि भाई तीसरा नेत्र है। अंधेरे वाले ही भ्रमित करेंगे, उजाले वाले अंधेरे में रहेंगे नहीं, दूसरों को अंधेरे में रहने देंगे। इसलिए वो तो बेचारे नादान है, उनको पता ही नहीं तीसरे नेत्र का कैसे खुलेगा। सही बात है, जिसमें नहीं उनकी मजबूरी है, उनकी मजबूरी है, लेकिन क्या करे, उनको ये तीसरियाँ खुली नहीं है, उनके लिए यही संसारी, संसारी उनके लिए सब कुछ है, इसीलिए वो क्या करते हैं, वो खुद भी संसार में है और लोगों को संसार में जकड़ के रखते हैं, इसके लिए वो ऐसी साजिश करते रहते हैं। और हम जानते नहीं है, हम उनको ही ज्ञानी मानते हैं, क्योंकि बोले ना ये तीसरियाँ खुल गई, बोले आपका संसार भस्म हो जाएगा, वही एक आपका सुख है, अगर वही भस्म हो गया तो आप करेंगे क्या, ख्याल में है? लेकिन जाने की बात क्या कहते हैं, अरे तीसरिया खुल गई तो आप खुद शिव जी हो जाएंगे, खुद नीलकंठ हो जाओगे, फिर आपको बिल्कुल समाधि रहेगी, सब काम करते रहो और समाधि एक समय भी जाएगी नहीं, प्रति समय हर क्षण। वो तो उनका तिराज महाराज जी यही है, उनको जाके कहे मेरे को तो भस्म करना है, संसार को खोलना। हाँ, अभी तो पता लग जाएगा उनका, बात सही है, लेकिन ऐसा है ना कि ये किसको प्राप्त होता है, सब जगह पे जाके आए, सब कुछ भुगतान कर लिया, हम बोले छूटना है नहीं, तब उनको ये भाव होता है कि ये प्राप्त करना है। हाँ, वो इसे कर रहा हूँ, तो भाव छूटेंगे वो, तो कहते हैं तो मामला खराब है, अब मेरे को तो बस नहीं करना, तीसरे यार खोल दे बाबा, तुझे बता दे रहा। हाँ, बस वही बात लेंगे, वो आश्रम छोड़ के, बिल्कुल सही है, कोई इलाज नहीं उनका, ऐसे करने से मानेंगे नहीं, पब्लिक पत्र फेंकेगी, तुम ज्यादा समझते हो अपने आप को ज्ञानी, हाँ, उनको नहीं मान लो महात्मा जी की बात, लेकिन ऐसे लोगों को ऐसा कुछ स्पर्श करता नहीं है, जो जिन्होंने जिनकी शिव स्वरूप पाया है, जान लिया है, समझ लिया, अनुभव करते हैं, दृष्टा भाव में आ गए, तो फिर उनको ये संसार की कोई चीज स्पर्श भी नहीं कर सकती, और फिर उनको ये नासिका पर ध्यान करना नहीं पड़ता है, ये तीसरी आँख से उनको वही ध्यान होता रहता है, और सारे लोगों को निर्दोष देखते हैं, वो साक्षी भाव से ऊपर की बात है, वो करता नहीं देखते और अपने आत्मस्वरूप में लीन रहते हैं। बोलिए, बाहर जाएंगे ना तो आपने जटा नहीं की है, वो गले में सांप नहीं डाला है, फिर भी आप शिव जी के जैसे सभी जगह घूमते रहेंगे, फिरते रहेंगे। बोलिए।
क्या कोई शक्ति होती है ऐसा है। जब कैसे पढ़ाई की आपने, जब कहाँ पढ़ लिया आपने, समझ लिया महाराजी को 20-25 साल जी सुन कृपा सत्संग से जुड़ाव ज़्यादा हो गया, इसलिए मैं सारे कहा थोड़ी बताया सत्संग कहीं भी आता है तो खाना बाद में भजन पहले है, बड़ी कृपा की कृपा है देवी कृपा। नहीं बताओ कितना जरूरी काम, नौकरी भी खूब की सरकार में सत्संग के नाम तो भाई छुट्टी ले लें भाई सत्संग में जाए नौकरी के समान उसी का परिणाम है भाई, ये वाणी भाषा उसी की है पढ़ने से कुछ नहीं होता है तो पंडित होता है बराबर है बिल्कुल दादा की कृपा हो गई ना। हाँ दादा खूब सुना हुआ है टीवी में जो आता था दादा भगवान का फिर नीरू माई टीवी खराब हो गया तो सुनना बंद कर दिया फिर रुचि भी कम हो गई अब सुनना क्या करना है ध्यान बिल्कुल सुनने में तो पागल बहुत सुना बहुत पढ़ा सुनेंगे पढ़ेंगे अभी तो भाई हमें भगवान बना दो तो मैं आता हूँ अपना तो ठीक है भाई शिव जी के उस रास्ते पे चल करके स्वस्थ होना है कई लोग महाराज सत्संगी का लेवल लगा दो तो उसमें खुश हो जाते हैं अरे साहब तो बड़ा सत्संगी है जबकि आत्मव्यवहार उसका कुसंगी का है पूरा टोटल विवेक जागृत होगा तुम्हारे खाने पीना खर्चा भेज दिया इतना साल काम किया कृपा रही परमात्मा की ऐसी जगह पे नौकरी सरकार ने करवाई सत्संग ही चलता था मेरा नौकरी कम सिर ऊंचा नहीं करते ऊंचा करना है वो तो टाइम ही नहीं है इतने उलझे हुए रहते हैं काम 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 करके उनसे क्या मन को मन उलझाता रहता है उनका मन माया से मिला हुआ है इनकी तरफ गठबंधन है ना माया का मन का गठबंधन वाला आदमी पाएगा अपनी समस्या पर जाते पता नहीं कब छोड़ के गठबंधन छूट जाए। रमेश जी को कैसे पहचानते हैं तो महाराज जी कहाँ में आती है ना पता नहीं में क्या चीज मिल जाए। नहीं बात सही है लेकिन उन्होंने कंपनी रखी ये बात बताता हूँ मैं करके अब गालियाँ तो अच्छा किया ना। हाँ बाकी तो सत्संग तो सभी के लिए लाभदायक है किसी का ही हो हाँ ये सत्संग होना चाहिए बस मेन चीज ही है कथा कहानी भागवत राम कथा इनसे कुछ नहीं होना जाना वो हर कक्षे के कक्षा के लोग हैं ना सही है तो इसीलिए हमने तो सभी वो हम पढ़ के आए हाँ अध्ययन करके आए लेकिन फिर पता चला कि हमें तो और भी आगे जाना है इसीलिए हमें ऐसा भाव होता है इसलिए कुछ कृपा ही रही होगी हम 40-45 साल की अवस्था से सत्संग के लाइन में उतरे हैं 65 के हो गए क्या बात लेकिन वो कथा पता नाचने गाने में पहले भी रुचि नहीं थी ये तो सीधा ही परमात्मा का डायरेक्ट वाले पे आ जाओ काय चक्कर पड़ा नाच गाने में कीर्तन बाजी में वो जरूरी है क्योंकि ऐसा है ना वो आम लोगों के लिए वो एक बहुत पुण्य का बड़ा कारण है ये जब होते हैं ना वो छोटी कक्षा में नीचे की कक्षा में बहुत लोग होते हैं और बहुत लोगों को ऐसा ही
करवाना पड़ता है, सिखाना पड़ता है, और वो हम वहाँ से होके आए हैं अभी। लेकिन वो सारे जिंदगी देख रहे हैं उनको 65-70-80 साल के हो गए, फिर भी उस क्लास को छोड़ना क्यों चाहे? नहीं, लेकिन ये 60 साल का दिखना नहीं है, वो जन्म से होता है। ये जन्म में आपकी ये भूमिका है, वो हम सब बहुत सारे जन्म करके आए हैं वहाँ पर, इसीलिए अभी आगे की हम सोचते हैं। सही है, बिल्कुल बात ठीक है। इसलिए फिर थोड़ा तकलीफ होती है भाई, अभी ये पहले क्लास में कब तक पढ़ेगा बूढ़ा? थोड़े आगे बढ़े, कुछ ग्रेजुएशन करे, पोस्ट ग्रेजुएशन करे, रिसर्च कर ले, फिर किसी बंदा रिसर्च करे। सही है, रिसर्च के लिए ही है ये सारा आयोजन। आप जैसे संत महात्मा घूमते हैं, गुरु बैठते हैं लोक कल्याण के लिए, तुमसे पूछो। बहुत अच्छे, रिसर्च वाला आदमी थोड़ी के बैठ गया करके। सही है, बिल्कुल सही। बाबा जी थोड़ी बन रहा उसको। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे तो बाबा जी नौकरी करते हैं प्राइवेट कंपनियों में, इंजीनियर है। आपके साथ ही अलग रहते हैं? नहीं नहीं, साथ ही रहते हैं, अलग कहाँ जाए, एक ही बच्चा। अच्छा, वो कर पाया साथ? उनको कितने बच्चे हैं? हैं उनके तो अभी एक ही है, 2 साल की बच्ची हुई है। अच्छा, छोटे हैं वो अपने काम में। अपना तो मेन चीज है, अपना अभी रिटायर हो गया नहीं? हाँ, 5-6 साल हो गए। 5-6 साल में रिटायर हुए? 58 में? नहीं, 60 में चल रहा हमारे। अच्छा, 15-20 साल से अब 60 का ही चल रहा। अच्छा, पहले 58 थे, पहले 55 था। 10-12 साल से 60 ही है इसको। चलता ठीक है, फिर तो कर्म क्षेत्र का हो गया, लेकिन धर्म क्षेत्र को तो पकड़े ना। बिल्कुल सही, एक क्षेत्र से थोड़ी काम चल जाएगा। वो क्या बोलते हैं, संन्यास आश्रम अभी? हाँ, जो भी आश्रम तो क्या, ग्रस्त भी प्रायक में बहुत बड़ा आश्रम है। बात सही है, ग्रस्त आश्रम तो बना है, तो बना है कि उसमें सेवा का मौका मिलता है, सन्यासी सेवा लेता है। हाँ हाँ, ग्रस्त में सेवा देता है। नहीं ना, वो ज़्यादा बढ़िया है। बिल्कुल सही है भाई, बाबा जी बढ़ जाए घर बार छोड़ करके कुटिया बना के जंगल में, क्या मतलब निकलेगा? बराबर, मनुष्य शरीर भगवान ने दिया है तो सेवा के लिए तो दिया है ना, सेवा ही नहीं है मनुष्य जीवन का मूल कार्य, सेवा ही है। लेकिन वो सेवा से ज्यादा सेवा देने के बजाय लेने क्या हो गया, इसीलिए सब चर्चा। तो ये सेवा भाव जागृत करने के लिए ये उपक्रम होते हैं, सत्संग है, ध्यान है, कुछ है। जो वैसे नहीं होगा ना, आदमी चाहता सेवा करूँ, लेकिन बीच में मन बुद्धि आ जाते हैं, दरवाजे दोनों, मन कहेगा क्या रखा है सेवा में, मन बुद्धि कह देगी सेवा से तेरे को नाम मिलेगा, नाम होगा। हाँ, वैसे वो करता रहता है, भटकता रहता है, वो उस रास्ते में पहुंच नहीं पाता, तीसरा नेत्र तक पहुंचता नहीं है ना। फिर भी वो एक बहुत अच्छा ठोस कदम भी है आगे बढ़ने के लिए, और वो जैसे हम गुजरते हैं तो फिर हमें अनुभव होता है कि इसके आगे के पहलू में जाना है, आगे के कदम सीढ़ी चढ़ना है। वो तो अनुभव ही सत्य ज्ञान है, बाकी तो किताब का या किसी का सुना हुआ या पढ़ा हुआ कोई काम नहीं है। मेरे को तो अनुभूति हो ही नहीं, तीसरा नेत्र है मेरे को क्या पता, आप कह रहे हो आपके बात का विश्वास कैसे करूंगा? तो सत्य ज्ञान का मतलब है जो खुद को अनुभव, खुद का अनुभव वही सत्य होता है, बाकी सब झूठा है। बिल्कुल सही है, क्योंकि कहते हैं भगवान तो ऐसा कोई हृदय में है, लेकिन हृदय में अच्छा कारण निकाला है। हाँ, इसलिए ये भाई कौन से मार्गदर्शन मिलेगा आप जैसे संतों से, रास्ते का प्रकाश मिलेगा। कई क्या कुंडलियाँ जगाते रहते हैं कई, तब वो क्या मतलब, जो चीजें जब सही है सही है, ऐसा कोई दूसरा किसी का कर नहीं सकता, आपका कल्याण तो खुद ही कर सकता है, दूसरा कल्याण कर सकता है दूसरा, खुद का कल्याण दूसरा नहीं कर सकता, मेरा कल्याण तो मेरे को करना पड़ेगा। बात सही है, लेकिन वो कहते हैं पंडित पुजारी भगवान कल्याण कर देगा तुम्हारा, भाई भगवान कैसे कर देगा, भगवान ही तो हम है, भगवान के हमसे है तो फिर क्या फर्क पड़ गया उसमें, ठीक है, मिलान नहीं है हमारा, दोस्ती नहीं है भगवान से, संबंध नहीं जुड़ा, जोड़ने का अगला चाहेगा तो कोई आपके संतों को भेज करके बस, इसलिए वो टेंशन खाएगा उसने, भगवान से क्या करना अपने को, भगवान तो कह रहा है भाई मैं हूँ जो तू है, पर तकलीफ क्या है, और इससे बड़ा क्या थी अपने को। लेकिन वो क्या आदमी कहते रहे साहब पता नहीं कौन सी पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है, क्या सुना है, हमने फिर कम कर दिया। ठीक है, बराबर बराबर, ये तो उसकी कृपा से। आप सारे दिन घर पर ही होते हैं? हमारी घर पे क्या बीमारी, सत्संग की ज्यादा है ना घर पे, नहीं नहीं लेकिन हाँ घर पे तो बहुत कम बैठना होता है, अभी पढ़ाई क्या, ज्यादा बिजी होता है। पढ़ाई क्या थी है, पढ़ाई क्या थी आपकी? पढ़ाई खूब करी थी, आई से एम ए किया था, डबल एम ए इसमें संस्कृत में भी किया था। मेजर क्या था है? मेजर मेजर क्या
मेजर सब्जेक्ट क्या था एमए? मेजर संस्कृत होता है, एक ही होता है संस्कृत। आप रे और वो उसमें पढ़ाता उस समय समझ में नहीं आया, लेकिन आप लोगों के संगत में बैठे और जब सत्संग सुना तब उन तीनों का तब समझ में आने लगा है। उस समय भी पढ़ाया था खूब संस्कृत में, वेद उपनिषद पढ़ाया करते थे। ठीक है उसमें खूब सारा कुछ हो गया, खाना पीना देखना भागना लूटना घसोटना सब कर दिया। फिर वो अब मेरी तरफ आ जाए 20-25 साल पहले उसने फाइल खोल दी परमात्मा ने, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे नाम लेने करके पहुंच गए तो ठीक है, नहीं बोलते तो कोई बात नहीं। उसकी मर्जी के आगे अपनी मर्जी को लगाया अपन, बने आदमी को थोड़ी कह सकते हैं उसकी बात को मानना है सुनना है जितना उसे करना है उसका काम। बराबर है, इसलिए थोड़ा 20-25 साल में यही खाया हुआ सब तरह के संप्रदायों में जहाँ भी कहीं सत्संग जयपुर में हो आस पास हो सत्संग से लाभ हुआ है। क्लियरिटी आ गई, बावड़े जितने मतलब घूमे थे फालतू माता खोल के मंदिरों में तिलक लगा दिया, छापा लगा दिया, कई तरह के नाटकबाजी खूब कर दिए, कोई शांति नहीं। नहीं लेकिन मंदिर जाना है, कथा सुनना बातें सुनना ये भी तो बता दिया पहली क्लास है ना, मुझे और आगे जाना है भाई। जिनके सामने ज्ञानी लोग हैं सामने तो क्या करें सत्संग की बातें, पर ये बताओ मंदिर में जाने से कितनी शांति मिलगी, कितनी देर के लिए मिली जितनी देर जाए उसमें तेरी मेरी करता था मेरे घोड़े से शांति सुख लगे। 7 दिन तो आदमी अपने अंदर स्थित हो जाता है, उसको पता ही नहीं बाहर क्या चल रहा है क्या हो रहा है। सही बात, वो होती परम शांति है। अगर में कोई होगा नहीं शांति है इसको शांत थोड़ी कहेंगे, शांति तो हर अवस्था में बनी रहे, जैसे कहा प्रतिकूलता अनुकूलता दुख सुख ये शांति का खाली वैसे है तो नकली रूप है। असली शांति या तो आदमी का शरीर शांत हो जाता है जब मिलती है और जीते जी करनी होती है शरण वाला पड़ता है सबों की, जीते जी शांति पानी है तो भी का रास्ता है, बाकी शांति तो लेना देना नहीं है कुछ किया है नहीं। अब तो आगे जीवन में देखेंगे तेरा मनुष्य बनाना तेरा बेकार सेंस नहीं है, अब तो गधा कुत्ता बन के घूम जा, अच्छा काम करो ना कुछ नहीं बना उसके पूजा करूंगा तुमसे लोग बात हो गए ये जमीन की चीज है, सत्संग आसमान पहुंचा देता है, ये खड्डे में डाल देता है, विरोध नहीं इसका, ये भी क्लास है। मैंने क्लास के बच्चों को तो चित्र से समझाना पड़ेगा कैसे गाय गाय थोड़ी आपको बता रहा मूर्ख बना रहा है ये बच्चा नादान है, कोई बात नहीं नादान है अभी समझते हो शाह को 30 साल हो गए मेरे ऊपर परिक्रमा लगाते गिरिराज जी की, गिरिराज जी का लड्डू दे दिएगा वो आपको खिजारी को भूखा बैठा है गिरिराज जी की सेवा कर रहा 24 घंटे वो तुम्हारा जेब काटने लग रहा है क्या दिया बताओ मेरे को। तो थोड़ा विचार नहीं है ना सत्संग विचार देता है सत्य की बात होनी चाहिए उसको बोलते हैं सत्संग, वो बेईमान भी कर सकता है सत्संग पंडित जी करेगा वो 10 लाख वाले महाराज जी ज्यादा बढ़िया करते हैं सत्संग 50 वाले बहुत करेगा वो तो हो सकता है 1 करोड़ वाला पैसा दे भगवान को दिया तुम्हारे सामने एक सत्ता होता है तुम पैसा वो मोह छोड़ो ये तेलुगु ऐसा आ गया बेईमान पे अब तो हो सकता है वो 1 करोड़ में तुमको लाके बता दे वो भागवत के अंदर ये आगे दो कर सब होगा वो दिन भी दूर नहीं है इसमें पागल हो जाएंगे वो ले जाएगा समेट के सब। सत्संग से विवेक होता है सही है रोटी खाने से पहले विवेक होता है ना अपने साकार करते हो कोई मालूम तुमको अंडा दे दे बना के फिर विवेक है तुमको ये खाने लायक दे मेरे लिए भोजन दिए ऐसे होगा उससे परमात्मा अपना अहंकार इस अहंकार का मोटा तत्व बता पंत जी ने मैं हूँ वो है कौन उसको ढूंढना है वो कोई परमात्मा है
और कहीं ज्यादा लंबा सुना नहीं भगवान की, क्यों सर्वव्यापक है वो, सभी कहते हैं सबके अंदर राम है, तो राम मंदिर के लिए कहाँ जा रहे हो एकदम एकदम, ये बताओ मेरे को, कोई 100 के पैसे खर्च कर देगा वहाँ जेब कटवा ले, रोक नहीं है उसमें, और उसमें कह रहे हो राम भक्त हो गया, तुमने अपने आप ले लिया लाइसेंस सर्टिफिकेट, इसलिए संतों के शरण में जाना ही पड़ता है। भगवान कृष्ण हुए, राम हुए, उनके भी गुरु थे, हम तो खुद ही गुरु बने पड़े हैं, अरे गुरु क्या करेगा, पाखंडी गुरु आजकल तो सारे मिल जाएगा उनके पास आगे लिस्ट, और सबकी चाय पानी पिया जाके वहाँ आश्रमों में, वो पाखंडी सारे के सारे, यही है दुर्भाग्य, कैसे कच्चा होंगे वो चश्मे से जितेगा वो। अरे सीता मैया तो राम जी के खुद की घरवाली थी, तुम तो कथा वाली बात के साथ कथा बताता हूँ मैं भाई, कथा मेरा कोई चीज नहीं, कथा व्यथा पैदा करती है, कथा से व्यथा होती है पैदा, ये सच्चा ज्ञान होगा ना, कोई उल्टी व्यथा पैदा हो जाएगी, फिर वो उंगली पर उठा दिया भगवान पर अपने देख लो तो नहीं उठता आगे, तो फिर कुछ नहीं मर गया, अपन का ठीक है भगवान का मर गया, सोरे मर गया, अरे भगवान के प्रसाद से राजे होकर के तुमको कह दे आ जाओ स्वर्ग में सीधे, चलो ठीक है तुम मोक्षधाम में चलते हैं आप, है माता जी आ जाओ, इतना फ्री काम नहीं है वो तो, लेकिन कहता है भाई जीव मेरे प्रति यदि मनुष्य का हो जाता है, प्रेम मेरे प्रति हो जाए, मेरे सम्मुख हो जाए, माया के विमुख हो जाए, पीठ दिखा दे माया को, तो परमात्मा तो भाई परमात्मा ही है क्या, पीठ कैसे दिखा सकते हैं, माया से तो काम करेगा, अभी माया नहीं होगी तो कहां से खाएंगे, अरे खाने की बात नहीं है, तो माया का मतलब खाना ही नहीं होता है, जो भी कुछ संसार में दिखाई देता है सब कुछ माया है, ये तुम्हारा शरीर भी माया है, अभी तुम खाओगे थोड़ी, खाने का रोग तो है ही ज्यादा, भगवान ने कह दिया, ये बताओ सबसे कीमती इस शरीर को जिंदा रखने के लिए क्या चाहिए तुमको, चलो मैं सवाल पूछता हूँ, अरे भक्ति को छोड़ो, भक्ति सदी में छोड़ देगा, सारे भक्त मर गए पहले, कबीर मर गया, मीरा भाई मर गए, सारे शरीर को जिंदा रखना है तुमको, तो मतलब सबसे सीधा बोल दीजिए पहले सांस लीजिए, सांस तो आई गया, नहीं मालूम बोल सांस नहीं आए तो कीमत किसके ज्यादा है, हवा के पैसे लगते हैं क्या, फिर ये भगवान कृपा नहीं है, जितनी ज्यादा कीमती चीज होती है ज्यादा आवश्यक होती है भगवान ने पहले उसको फ्री कराया, दूसरा नंबर पानी का आता है, पानी बहुत लगते हैं क्या पैसे, ठीक है बोतल लिया बात लगा मेज बन करके तुम, बाकी भगवान सत्य व्यवस्था कर रखी बहन के, और फिर तीसरा नंबर भोजन का आता है, तो भगवान तो दो चीज तो तुमको वैसे ही देती फ्री है एक तरह से, अब थोड़ी बहुत भी नहीं करोगे क्या हाथ पैरों से मेहनत, एक बीज डालोगे हजार पा जाएंगे उसे पौधे, और क्या चाहोगे भगवान से, वो तो फ्री में दे रहा बिना भक्ति के तुमको, ये तो असली चीज, तो भगत बनने के बाद भगवान में तुम्हें फर्क क्या रह गया, वो तो कह रहा फिर तुम मेरी सीट पे बैठ गया हो तो ऐसे समझना पड़ेगा, सत्संग से जुड़ा करो, कहीं भी सत्संग किसी का ही, सत्संग में कोई बुराई नहीं होती, सत्संग करने वाला चरित्र कैसा भी हो सकता है, उसकी बातें मुझे थोड़ी हर चीज़ अपने दुकान में जाते सब पसंद आए, इन्होंने मान लो 2 घंटे में 20 बात बताई, 2 बात में तुम्हारी खोपड़ी में तुम्हारे काम करते उसको ले जाओ, बाकी 18 पट को क्या ले लेना, सारी दुकान जरूर उठा के लाते हो आप, बेकार दो देनी पड़ेगी, वो तो आगे दुकान में थोड़ा उनको करना पड़ेगा भाई अपने को, और अपना असल में हम बेईमान इतने ज़्यादा है दुष्ट है, हमको भगवान की माया से मतलब है, माया हो जाएगी वो देखो कितना याद करता है भगवान, और माया छिन जाए घूमता फिरेगा 24 घंटे घूमता फिरेगा भगवान को, इसलिए भगवान समझदार इतना बेवकूफ नहीं है, अपन ज़्यादा पढ़ रहे हैं ना समझदार, इसी का नतीजा है भगवान दूर पजा रहा है, भगवान के बिना तो हमारी आँख देख सकती है क्या राम के बिना, इसलिए राम निकल जाएगा अभी क्या चीज़ काम करेगी, वो उसको समझाता है भगवान को छोटी मोटी चीज़ नहीं है, लेकिन वो तो क्या मिलती संत कृपा से ही है, बड़े भाग पाए सत्संगा बिना पुण्य पुंज मिले नहीं संता, हमारे पुण्य पुंज से जब मिला संत मिले तो अगर पुण्य मिल जाएगा तो मेरे को ये हो जाएगा गाय को चारा खिला दूंगा, तुमको अगले दिन चारा मिलेगा तुमको क्या है, भगवान ने कहा जो तुमने दिया वो मिलेगा, किसी को चाय पिलाएगा तुमको कोई दूध थोड़ी पिलाएगा, वो अगर चाय पिलाती है ठीक है, चाय पिला डाल देंगे, समस्या कहाँ पड़ रही है, समझना क्या पर समझना नहीं चाहते, बेईमानी इतनी ज्यादा घुस गई हमारे अंदर, तो भगवान को हमने तो क्या कैद कर लिया, मतलब उसको भगवान को बेवकूफ़ बनाने लग रहे हैं, देखो आप मजेदारी, और वो तो कृपालु दयालु जी तुमको जिंदा रख रहा है सांस फ्री में दे रहा है, नहीं तो एक मिनट में बंद कर दे मेरे जैसे आदमी हो तुम, चलो समाप्त हो सब भट्टा खाते सब, और वो तो भाई ठीक है जीव है सारे उसको पता है, जीव की माँ का ही भाई आपका बच्चा कितना ही दुष्ट होगा तो आप मारोगे क्या उसको, अरे भाई ठीक है तू बैठा बैठा ही खा खाती थी मेरी पर,
वो परमात्मा सबका बाप है, धरती भी इसकी मर्जी के बिना कोई पता मिलता है क्या? साफ तो बहुत अच्छी चीज़ है, बड़ा बड़ा प्रेम नहीं है। हम माया में इतने माया बस्ती में इतने लीन हो गए, भगवान तो फिर कहाँ से शांति दे? शांतिनाथ है, शांतिनाथ से मिलने के लिए शांति धाम में जाना पड़ेगा। और ये शरीर को धाम बताया संतों ने, फटाफट किताब में सुन के आ जाते हैं रामकथा भागवत की, भागवत नाच गान के रुक्मिणी का ब्याह कराते हैं अपन, अपने बाल बच्चों का ब्याह तो नहीं रहा अपने हमारे से, है ना? और वो सीता जी कराएंगे फिर रामकथा में, भाई दूसरे का भगवान का ही ब्याह शादी करने लग गए तो कहना ही क्या, तो दुर्गा भगवान खतरनाक स्थिति में है। प्रार्थना बोल लेते हैं थोड़ी, ताकि हमारे वो कार्य में कोई बाधा ना आए, बताते हैं थोड़ा बोल लेते हैं तो संसार विघ्न निवारक दादा भगवान का मंत्र बताया है। अभी शाम को जो हम करने जा रहे हैं उसमें कोई बाधा बिना न आए, थे ना आज के लोग कलयुग के लोग, उन्होंने विराधना की है। विराध का मतलब ऐसे जो मोक्ष मार्ग हमें दे दे, ऐसे लोगों की भी अनजाने में आराधना के बजाय विराधना की है। और विराधना का फल ये होता है कि हमें वो प्राप्त नहीं होते, और वो प्राप्त होने के लिए ये कोई भी विघ्न ना आए ना, इसीलिए ये प्रार्थना है। हम बुलाते हैं, आप बोलिएगा शांत कर, पीछे पीछे दोहराना, नमो अरिहंतानाम, नमो अरिहंतानाम, मैं अरिहंत भगवान, मैं अरिहंत भगवान, श्री सिमंदर स्वामी प्रभु को महाविदे क्षेत्र में विराजमान है, महाविदे क्षेत्र में विराजमान है, भीतर के सभी शत्रुओं को, भीतर के सभी शत्रुओं को, अरी अरी यानी दुश्मनों को, यानी दुश्मनों को, क्रोध मान माया लोभ, क्रोध मान माया लोभ, राग द्वेष जैसे, राग द्वेष जैसे, भीतर के सभी दुश्मनों को, भीतर के सभी दुश्मनों को जीत लिया है, जीत लिया है, और लोगों के कल्याण के, लोगों के कल्याण के परम उत्कृष्ट निमित्त है, इसीलिए मैं अरिहंत भगवान को नमस्कार करता हूँ, क्योंकि मुझे भी, क्योंकि मुझे भी मेरे भीतर के शत्रुओं को जीतना है, मेरे भीतर के शत्रुओं को जीतना है। नमो सिद्धान, नमो सिद्धान, अनंत सिद्ध भगवंतों को, अनंत सिद्ध भगवंतों को मैं नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, जो मोक्ष में विराजमान है, जो मोक्ष में विराजमान है, संसार से मुक्त हो गए हैं, संसार से मुक्त हो गए हैं, जन्म मरण से मुक्त भगवंतों को, सिद्ध भगवंतों को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ, अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, मैं आचार्य भगवंतों को, मैं आचार्य भगवंतों को, जो अरिहंत आचारों को जो पालन करते हैं, दूसरों को पालन करवाते हैं, दूसरों को पालन करवाते हैं, मुझे भी वे आचार प्राप्त करने हैं,
मुझे भी आचार प्राप्त करने हैं। इसीलिए मेरे भक्तों को हृदय से नमस्कार करता हूँ। नमो हृदय से नमस्कार करता हूँ। मैं हृदय से नमस्कार करता हूँ। जो खुद पढ़ते हैं मोक्ष मार्ग का आराधन करते हैं और दूसरों का मार्गदर्शन भी करते हैं और दूसरों को पढ़ाते भी हैं। ऐसे होते जाते हैं फिर भी ऐसे उपाध्याय भगवंतों को प्राप्त करना है। इसीलिए मैं उनको हृदय से नमस्कार करता हूँ। नमो लोए सर्व साहुणम। इस लोक के सभी साधु भगवंतों को मैं नमस्कार करता हूँ। जो सीधे सरल हुए हैं सभी प्रकार का टेढ़ापन निकल गया है। वे संसारी हो यानी के गृहस्थी हो या त्यागी हो घरेलू कपड़े में हो या साधु के कपड़े में हो या दिगंबर भी क्यों ना हो मुझे भी सीधा सरल होना है साधक होना है कभी भी बाधक नहीं होना है इसीलिए ऐसे साधु भगवंतों को हृदय से नमस्कार करता हूँ ऐसो पंच नमुकारो ऐसे पांच श्रेष्ठ पुरुषों को नमस्कार करने से सभी पापों का विनाश होता है मंगलानं च सर्वेषु परमं हवये मंगलम् सर्वश्रेष्ठ मंगल अगर कोई विश्व में है तो यह मंत्र का पठन करने में प्राप्त होता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो पॉजिटिव हुए हैं सभी नेगेटिविटी जीत ली है लक्ष्मी जी जिनके अर्धांगिनी है लक्ष्मी जी मुझे प्राप्त करना है इसीलिए मैं नारायण स्वरूप कृष्ण भगवान को नमस्कार करता हूँ ओम नमः शिवाय कल्याण स्वरूप शिव जी को नीलकंठ को हृदय से नमस्कार करता हूँ ऐसे दादा भगवान जिन्होंने खुद का कल्याण किया है और दूसरों का कल्याण कर रहे हैं उनके प्रगट योग बल की असीम कृपा से मुझे भी मेरा कल्याण करना है इसीलिए ऐसे शिव स्वरूप दादा भगवान को हृदय से नमस्कार करता हूँ जय सच्चिदानंद स्वरूप जो अविनाशी है ज्ञान से भरपूर है परिपूर्ण है परमानंद जिसका स्वभाव है ऐसे शुद्धात्मा स्वरूप जो जीव मात्र में विराजमान है उनका विजय हो यही सच्चिदानंद।
सच्चिदानंद। मतलब ये मतलब होता है और ये महापुरुषों को नमस्कार करने से हमारे उत्तम आराधना होती है और जाने अनजाने में हमारी जो विराधना हुई है वो मिट जाती है और हमारा मोक्ष मार्ग तक निर्विघ्न खुल जाता है। आगे शुद्धात्मा के प्रति प्रार्थना नंबर 18 और ये में 12 नंबर ये छोटी पत्ती किताब है उसमें 12 नंबर है। हाँ बस उस तरफ ही है 18 नंबर है। शुद्धात्मा की बात। हे अंतर्यामी परमात्मा, हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हरेक जीव मात्र में विराजमान है, आप हरेक जीव मात्र में विराजमान है, और मुझ में भी विराजमान है, और मुझ में भी विराजमान है, आपका स्वरूप, आपका स्वरूप, वही मेरा स्वरूप है, वही मेरा स्वरूप है, मेरा स्वरूप, मेरा स्वरूप शुद्धात्मा है, शुद्धात्मा है, हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, है आप को मैं आपको भाव से अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ, अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ, अज्ञानता के कारण, अज्ञानता के कारण मैंने जो जो दोष किए हैं, मैंने जो जो दोष किए हैं, मन वचन काया से, मन वचन काया से लोगों को दुख दिए हैं, लोगों को दुख दिए हैं, अभाव तिरस्कार के दोष किए हैं, अभाव तिरस्कार के दोष किए हैं, मान भंग के दोष किए हैं, मान भंग के दोष किए हैं, अपेक्षा भंग के दोष किए हैं, अपेक्षा भंग के दोष किए हैं, चारित्र के दोष किए हैं, चारित्र के दोष किए हैं, इन सभी दोषों को, इन सभी दोषों को आपके समक्ष, आपके समक्ष जाहिर करता हूँ, जाहिर करता हूँ, उनका हृदय पूर्वक, उनका हृदय पूर्वक खूब पश्चाताप करता हूँ, खूब पश्चाताप करता हूँ, और आपके समक्ष, और आपके समक्ष क्षमा याचना करता हूँ, क्षमा याचना करता हूँ, हे प्रभु, हे प्रभु मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे, और फिर से ऐसे दोष, और फिर से ऐसे दोष कभी भी ना करूं, कभी भी ना करूं, ऐसी आप मुझे शक्ति दे, ऐसी आप मुझे शक्ति दे, आप ऐसी कृपा करे, आप ऐसी छूट जाए, भेदभाव मिट जाए, भेदभाव मिट जाए, और अभेद स्वरूप प्राप्त हो, तो हम आप में, हम आप में अभेद स्वरूप से, अभेद स्वरूप से तन्मय आकार रहे, तन्मय आकार रहे, जय सच्चिदानंद। नीचे लिखा है जो जो दोष, वो एस्ट्रिक मार्क है ना ऊपर लिखा, जो जो दोष किए हैं वो दोष हमने सिर्फ ब्रीफ में बताए, तो हमें याद करके उसकी प्रार्थना क्षमा याचना करना है। अभी राम भगवान 10,000 साल पहले करीब में हुए, भगवान के पास अर्जुन आए तो कृष्ण भगवान ने ऐसा नहीं बताया, उन्होंने अपनी समस्या व्यक्त की, राम भगवान सब कुछ बता के गए हैं, लेकिन उन्होंने बताया क्योंकि जो प्रगट है आज हाजिर है 2600 साल पहले आए, वो उनका निर्वाण हो गया, वो मोक्ष में गए, दादा भगवान भी आए, दादा भगवान उनका भी देहांत हुआ, लेकिन उनसे प्राप्त बहुत सारे लोग हैं, उनकी कृपा से उनका योग बल उनके माध्यम से काम करता है, इसीलिए आज ये संभव होगा कि हमें वही उनकी कृपा से ये प्राप्त हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो दादा भगवान है उनका यश नाम क्रम बहुत गहरा है, होता है और वो काम करता है आज, क्योंकि उनसे प्राप्त दृष्टि प्राप्त इतने सारे लोग हैं हजारों की संख्या में, तो ये दादा भगवान अचीत के लिए कारण कि कितने भक्ति उन्होंने खुद भी दी थी, वो खुद भी करते थे, कृष्णा जी ऐसा करके करते थे। नॉर्मली अगर कोई भगवान है और ऐसा नहीं करे, वो खुद को खुद के अंदर जो प्रकट हुआ है उनको जय जय करते थे, बोले आप क्यों करते हैं,
अपनी छाड़ी गाड़ी की बाकी है, इसीलिए मैं पूर्णता के कारण ये मैं करा रहा हूँ। बोले आप क्या करो, वो थोड़े ज़्यादा कम है तो आप भी करो, क्योंकि ये धर्मगण मैं नहीं हूँ, वो प्रकट परमात्मा की स्तुति है। तो ये हम करते हैं, आगे बढ़कर दीजिए, आपको जो अब वो बोले जो समझ में आएगा सिर्फ दोहराना है बीच बीच। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो, 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 भगवान ना असीम जय जयकार हो, भगवान ना असीम जय जयकार हो, दादा 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 भगवान ना असीम जय जयकार हो, भगवान ना असीम जय जयकार हो, दादा 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 भगवान ना जय जयकार हो, दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो, दादा भगवान ना भगवान ना असीम जय जयकार हो, दादा 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 भगवान भगवान ना असीम जय जयकार हो, दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो, दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जी आपको कौन बात कर रही है।
हाँ साढ़े चार मन बात आ जाए थोड़ा सा मर्जी से ही है, वो बुलाएगा तो आता है अपने आप में क्या है करने में लड़ी है और सबसे बड़ी शक्ति है दिए हुए तो परेशान हो गए आपको कल दिल्ली देने गए थे।